एंटीजरी ओपन करें पजल ड्रॉप्स इसका नाक बंद हो जाए बच्चों को एंटीबायोटिक दिए तो सॉल्ट एंड पेपर था मार्केट में यस 1 2 3 ओपन करें सरप्राइज फील बेटर कर रही हैं दिस इज M&M योर फेवरेट तो आज अलाया कुछ बेटर फील कर रही हैं अलाया को एंटीबायोटिक डॉक्टर ने दे दी थी हम लोग जब उस दिन गए थे काफ़ी उन्होंने कहा कि काफ़ी इसको सीवियर इन्फेक्शन है और फर्स्ट टाइम ही पहली दफ़ा में इन्होंने वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दी थी वन तो जर्मनी में एंटीबायोटिक तो बच्चों को देते ही नहीं है जितनी दफ़ा भी जाएंगे बस होस्टेनशाफ देंगे मतलब कफ सीरप देंगे और वो भी हर्बल होता है तो क्योंकि इतना सीवियर था इसको देनी पड़ी अलाया ने ये ट्रीट इन्जॉय कर रही हैं थोड़ी बहुत अब सही हो गई ना जी आपकी बर्थडे मामा की बर्थडे मंथ है आपकी कब बर्थडे होती है अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी काफ़ी बेटर फील कर रही है तो ये कि मैं आपको बताई थी जर्मनी में बल्कि बच्चों को एंटीबायोटिक नहीं देते मेडिसिन ही मेडिसिन है ये सब नोजल ड्रॉप्स इसका नाक बंद हो जाता है बेटे का भी विंटर्स है ना जर्मनी में बहुत ज़्यादा सख्त विंटर्स हैं पाकिस्तान में तो खैर ऐसे होते नहीं हैं कराची में ख़ास तौर पे क्योंकि ये कराची में ही बॉर्न हुए हैं और वहीं रहे हैं सब ये कफ सीरप हैं और ये एंटीबायोटिक तो बहुत मुश्किल से देते हैं जब तक कि कोई सीवियर इन्फेक्शन ना हो और हम लोग पाकिस्तान में तो हम जाते ही डॉक्टर से बस कहते हैं कि बीमार तो डॉक्टर फौरन एंटीबायोटिक लिख देते हैं तो यहाँ पे तो एंटीबायोटिक होती नहीं है बच्चों को मेडिसिन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इतनी ज़्यादा वो बिटर होती है ना टेस्ट में वो जो पाउडर बनाते हैं उसका पाउडर इतना बिटर होता है तो बच्चों को कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं थोड़ा सा एक सिप दे देंगे वाटर फिर उसके बाद मैं उनको पेस्ट करवाती हूँ और मेडिसिन के बाद बच्चों को पेस्ट ज़रूर करवाएं क्योंकि इस तरह आपके बच्चों के दांत भी महफूज रहेंगे इतनी बिजी थी ना कि बता नहीं सकती सो नहीं पा रहे थे हो रहा था ब्लॉक हो रहा था नोज़ ब्लॉक हो रहा था फिर देसी टोटके भी होते हैं हमारे कुछ वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी ना कि आप लोगों को सूट ना करें तो बस अब चलते हैं मैंने आपको दिखाना है आज मैंने क्या बनाया है क्या बनाया है देखें मेरी बेटी को बहुत पसंद और बेटी को भी मैंने कहा थोड़ा सा लाइट गिज़ा है वैसे तो मैं इसको दलिया ही दे रही थी काफ़ी दिनों से ताकि ना ज़्यादा एनर्जी भी मिले क्योंकि ओट्स और ये जो गंदम का दलिया होता है बहुत अच्छा होता है दलिया मैंने बनाया था चिकन दलिया ओट्स हैं और इसमें चिकन डाली थी नो ऑयल कुछ भी नहीं सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर था क्योंकि ऑयल भी कहते हैं ना वो सही नहीं होता कफ में और मैं तो मिल्क भी अवॉइड करवाती हूँ बच्चों को क्योंकि वो कहते हैं उससे और कंजेशन हो जाती है तो बस ये छोटा सा व्लॉग है ज़्यादा बड़ा नहीं कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखानी क्योंकि मैं आज अपनी बच्ची के साथ बिजी हूँ और कुछ मुझे लेने जाना था तो मैंने कहा मैं ले जाती हूँ मेरे हस्बैंड अभी आ गए आप बर्देश में रहते हैं ना तो आपका कोई नहा नहीं होता आपकी कोई फैमिली नहीं होती कोई इतमादारी करने नहीं आता कोई आपको पूछने नहीं आता मतलब आपको सबको बच्चों को अकेले ही देखना होता है हम लोग इतनी एग्जॉस्ट हो जाते हैं माँ बाप माएँ तो खास तौर पे क्योंकि 24/7 उनके साथ रहती हैं तो मेरे हस्बैंड ने कहा आज मैं थोड़ा इसको देखता हूँ आप थोड़ा टाइम ऑफ लें आप थोड़ा बाहर जाएँ फ्रेश अप हों वॉक करें कॉफ़ी पिएँ अपनी जो पसंद की चीज़ आपने करनी करें और आपको पता है हम खवातीन को तो शॉपिंग पसंद है तो रिटेल थेरेपी भी बहुत अच्छी होती जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है आप वो करें जिससे आपको सुकून मिलता है जिसमें आपका ज़रा टाइम मतलब टेंशन डाइवर्ट हो जाती है तो मुझे तो शॉपिंग पसंद है किसी को बुक्स पसंद होती हैं रीड करते हैं अब मैं बुक्स नहीं पढ़ती हूँ बच्चों के साथ पढ़ना बहुत मुश्किल है तो बस मैंने कहा देख लेती हूँ ऑफर भी लगी थी मेरे हस्बैंड ने कहा आज लास्ट डे है आप मिस ना करें तो मैंने कहा चलो मैं कॉफ़ी भी पी लेती हूँ और फिर बस का वेट करते हैं और फिर घर चलते हैं एक घंटे में सब कुछ हो गया था माशाल्लाह से और बस आ चुकी है मम्मा थक गई हैं अब मैं अपनी कॉफी एंजॉय कर रही हूँ घर पहुंच गई हूँ आपके मैंने फ्रेश अप भी करना है ठीक है फिर कौन करवाएं ये वहाँ से मैं कॉफ़ी ले आई थी और बहुत मतलब एक घंटे में मैं आई हूँ क्योंकि बस मुझे मिस नहीं करनी थी अब मैं बच्ची को देखूंगी अपनी तो बस मैंने कहा बच्ची को अच्छे से मसाज कर लेती हूँ और ये बहुत अच्छा ऑयल है और क्योंकि मसाज से बच्चे ज़रा सुकून मतलब फील करते हैं उनको अच्छा लगता है और फिर मैंने कहा उसको पेस्ट वेस्ट करवा के ना
और फ्रेश अप करा देती हूँ और इसके हेयर कॉम भी करने, और बच्चे बहुत क्रैंकी हो जाते हैं और इसके लिप्स के इतने ड्राई हो रहे थे आई थिंक फ्लू की वजह से, और स्किन तो वैसे भी आई थिंक वेदर ऐसा हो रहा है विंटर्स में तो ड्राई होती ही है, तो मैं रात को और सुबह में काफ़ी कोशिश करती हूँ कि इनको मॉइस्चराइज़र लगाऊँ स्कूल जाने से पहले। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी लंच देना था, ठीक है, भी स्कूल से लेके आना है और बच्चे ने तो लंच कर लिया था, तो मैंने कहा थोड़ा स्नैक करवा के ना तो इसको नैप दिलवा देती हूँ। तो बस ये इस तरह फ्रूट भी खा लेते हैं बच्चे, जब आप उनको इंकरेज करें फ्रूट्स लाजमी दें, हेल्थ के लिए फूड बहुत बेस्ट है। तो मैंने कहा बेटी को सोच और करवट पे मैं सुलाती हूँ, क्योंकि आपको पता है वैसे भी छोटे बच्चों को करवट पे सुलाना चाहिए, छोटे हों या बड़े हों, क्योंकि जब कंजेशन होती है ना तो आपको वॉमिट आ सकती है, तो साइड पे होना चाहिए। तो मैं आपको अपनी अपनी चीज़ें दिखाती हूँ, मैंने कहा बच्ची सो गई है तो कुछ काम वाम कर लेते हैं, और साथ में आपको अपनी शॉपिंग भी दिखा दें जो मैंने रिटेल थेरेपी में चीज़ें ली हैं। तो ये देखें, ये बहुत अच्छी ऑफर लगी थी, तो एक्चुअल प्राइस जो थे साइज ना उस पर भी हाफ थी। तो ऐसे ही हम लोग जब डिस्काउंट होते हैं तो ऑफर होते हैं तो हम लोग ये कोशिश करते हैं ले लें। और आपको पता है बच्चों के यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म नहीं, और रोज़ पहन के जाते हैं कपड़े और वॉश करने होते हैं ना, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिक मशीन में लगता है मुझे कपड़े वॉर्न आउट हो जाते हैं, उनमें ऐसी चमक और वो नहीं रहती, जान नहीं रहती जैसे हम लोग हाथ पे धोने में होती है। पाकिस्तान में तो मेड थी या तो खुद धोने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो बस हम जब भी ऐसी अच्छी ऑफर डिस्काउंट देखते हैं, ज़रूरत महसूस होती है, तो फिर बच्चों के कपड़े ले लेते हैं और अपने भी ले लेते हैं। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।